पवन अहुता के फैंस के लिए गुड न्यूज सामने आई है। पवन अहुता ने सुबह सुबह लाइव आकर अपने फैंस को बड़ी अपडेट दी है। पवन अहुता इस अपडेट को देते वक्त बहुत खुश दिखाई दिए, बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दिए। काफी दिनों बाद फिर से पवन अहुता एक साथ एक मंच पर धमाल मचाने आ रहे हैं, जिसकी अपडेट पवन अहुता ने दे दी है। तो चलिए पूरी बात आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दे, ऋषिकेश की खूबसूरत सुबह वाला ब्लॉग आ चुका है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, जल्दी से जाकर चेकआउट करें। सपोर्ट के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो फैंस पवन अहुता ने जो वीडियो शेयर की है वो इनके नेक्स्ट इवेंट की है। जी हाँ, पवन अहुता नेक्स्ट इवेंट राजस्थान में करने जा रहे हैं। 8 अक्टूबर को राजस्थान के मंच पर पवन अहुता धमाल मचाने आ रहे हैं। पवन अहुता ने कहा कि राजस्थान की जनता उनका ये शो देखने के लिए अभी से टिकट बुक कर ले, और ये बात सुनते ही फैंस की भीड़ इकट्ठा होने लगी। अभी से फैंस इनका ये शो देखने के लिए तैयारियां करने लगे। लाइव वीडियो में पवन अहुता दोनों अलग अलग जगह पर दिखाई दे रहे हैं और दोनों लाइव आकर अपने फैंस से कह रहे हैं कि उनका ये शो देखने के लिए आप सभी आ सकते हैं। तो आप पवन अहुता का ये शो देखने जा रहे हैं कि नहीं? क्योंकि पवन अहुता का ये शो देखने के लिए काफी ढेर सारी भीड़ इकट्ठा होने वाली है। लास्ट वीडियो में आप देख चुके हैं कि अरुणिता जब बंगाल इवेंट के लिए गई थी तो वहाँ कितने सारे फैंस इनके लिए इकट्ठा हुए थे। ऐसा ही कुछ अब राजस्थान में होने वाला है। तो आप इनके शो को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो आप भी बताइए कि क्या पवन अहुता की जगह कोई ले सकता है? शायद आप भी नहीं बोलेंगे, लेकिन उससे पहले शो की कंटेस्टेंट विदिप्ता चक्रवर्ती की आवाज सुन ले, और रीतो रिवा का किस्सा तो बताने की जरूरत ही नहीं है। यही तो कंटेस्टेंट है जो पवन अहुता की जगह ले सकते हैं, क्योंकि अब लोगों का ध्यान इन्हीं पर है। लोग इनकी एक एक खबर जानने में दिलचस्पी ले रहे हैं। विदिप्ता की तुलना अरुणिता से की जा रही है और रीतो रिवा की तुलना पवनदीप से की जा रही है। विदिप्ता की बात करें तो वो अरुणिता से भी आगे निकल गई है, क्योंकि विदिप्ता को महज 15 दिन में ही फिल्म इंडस्ट्री में जाने का मौका मिल गया है। किसी कंटेस्टेंट के लिए आम बात नहीं है। एक तरह से विदिप्ता की किस्मत चमक गई है। अरुणिता को भी काफी मेहनत करनी पड़ी थी, तब जाकर उन्हें बड़े बड़े सिंगर्स के साथ गाना गाने का मौका मिला था। लेकिन सुभाष घई ने सीधे विदिप्ता को अपनी फिल्म में लेने की बात कही है। वो उन्हें एक्ट्रेस बनाना चाहते हैं। खास बात यह है कि विदिप्ता भी कोलकाता से आई है। ऐसे में अरुणिता और विदिप्ता में कांटे की टक्कर है। महज 17 साल की विदिप्ता चक्रवर्ती की अपनी सुरीली परफॉर्मेंस ने मौसम म्यूजिकाना बना दिया। जज नेहा कक्कर ने विदिप्ता की तारीफ करते हुए कहा कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आपकी आवाज में न सिर्फ एक तरह की दिव्यता है बल्कि आप में भी एक मासूमियत की भावना है। इन दोनों क्वालिटी ने आपकी परफॉर्मेंस को बेमिसाल बना दिया। मुझे यकीन है कि आप बहुत आगे तक जाएंगी और आपको इंडियन आइडल 13 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। यानी नेहा कक्कर ने विदिप्ता को विनर बनाने के लिए भी एक तरह से सेलेक्ट कर लिया है। अब देखना होगा कि विदिप्ता और रितु रिवा की वजह से क्या पवनदीप अरुणिता कहीं खो जाएंगे। और ये पवनदीप अरुणिता के फैंस के लिए भी बहुत बड़ी बात है। अगर आप भी पवनदीप अरुणिता के फैंस हैं तो उनके लिए राय जरूर दें। तो फैंस, हाल ही में अरुणिता बंगाल इवेंट में गई थी, इसके साथ ही वो पास में एक पंडाल में गई थी जहां दुर्गा पूजा हो रही थी। वह अरुणिता एमएलए से मिली और अरुणिता से एमएलए मिलकर बहुत खुश हुए। उन्होंने अरुणिता की तारीफ की, माइक में अरुणिता से कुछ बातें ऐसी की जिससे सुनकर अरुणिता खुश हो गई, उनका सम्मान किया और फिर अरुणिता से बंगाली भाषा में बात की गई तो अरुणिता भी बंगाली भाषा में जवाब देती है। अरुणिता की बंगाली लैंग्वेज सुनकर फैंस बहुत खुश हुए। उनकी ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। अरुणिता पर खूब फूल भी बरसाए जा रहे हैं। अरुणिता से काफी सारे लोग मिले और वो बहुत खुश हुई, अपने फैंस को धन्यवाद कह रही हैं और भी कुछ बातें भी की हैं उन्होंने। दरअसल पवन अहुता की पुरानी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें पवन अरुणिता का प्यार साफ देखा जा रहा है। दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं वो भी देखिए। ये वीडियो उस वक्त का है जब अरुणिता पवन के घर चंपावत उनकी बहन चांदनी की शादी में गई थी। अरुणिता ने पवन के घर में शादी में कितना कुछ इंजॉय किया था वो सारी वीडियो हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। और आपको ये भी पता है कि पवनदीप ने अपने घर की इस शादी में स्पेशली अरुणिता को इनवाइट किया था, और अरुणिता 2-4 दिन पहले ही चंपावत यानी अपनी ससुराल पहुंच गई थी। उन्होंने चांदनी की शादी के हर फंक्शन को मजे से एंजॉय किया। संगीत सेरेमनी में अरुणिता ने खूब नाच गाना भी किया था। हम आपको ये सारी वीडियो पहले ही दिखा चुके हैं, लेकिन शायद ये वीडियो आपसे चूक गई होगी जिसमें अरुणिता और पवन का स्पेशली प्यार दिखाया जा रहा है, और संगीत सेरेमनी में इन दोनों को एक दूसरे के क्लोज देखा गया, आंखों ही आंखों एक दूसरे से इशारे करते देखा गया। वो देखिए, हुआ ये कि संगीत सेरेमनी
सेरेमनी के दौरान सभी गेस्ट थे और उन गेस्ट के बीच में पवनदीप अपनी दोनों बहनें और अरुणिता के साथ बैठे थे। तभी चांदनी राजन पवनदीप के कंधों पर हाथ रखकर फोटो क्लिक करवाने लगती हैं। ज्योति दीप देखती हैं तो वो भी पवनदीप के आगे बैठ जाती है और पवन के हाथों को अपने कंधे पर रखकर वो भी फोटो क्लिक करवाने लगती हैं। भाई बहन का लाड प्यार चल रहा था, मौज मस्ती हो रही थी, तभी पवनदीप ने देखा कि अरुणिता की कमी है। वो तुरंत अरुणिता की तरफ इशारा करते हैं। पवनदीप ने इस फैमिली फोटो में अरुणिता को भी बुलाया। पवनदीप अरुणिता की तरफ इशारा करते हैं कि तुम पीछे क्यों हो, तुम भी आओ हमारे साथ। मतलब साफ है कि पवनदीप ने भी अरुणिता को अपनी फैमिली मेंबर मान लिया था उसी दिन से। अब सबके सामने जब पवन ने अरुणिता को अपने पास बुलाया तो अरुणिता शर्मा गई और नजरे नीचे झुकाकर मुस्कुराने लगती है। तभी अरुणिता की बड़ी नंद यानी चांदनी राजन उनका हाथ पकड़कर पवन के पास लाती है और फिर पवनदीप के चेहरे की मुस्कान साफ बता रही है कि उनकी फैमिली में अब रौनक आई है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करना होगा। तो फैंस अरुणिता कांचीलाल की वो वीडियो सामने आई है जिसका आप सभी को इंतजार होगा। जी हाँ, अरुणिता कांचीलाल कोलकाता की है और कोलकाता शहर तो पहले ही दुर्गा पूजन और डांडिया के लिए मशहूर है। ऐसे में लोग डिमांड कर रहे हैं कि अरुणिता कब डांडिया खेलती दिखाई देंगी, उनकी वीडियो कब आएगी। तो सोशल मीडिया पर वो वीडियो भी आ गई है जिसमें अरुणिता कांचीलाल रेड लहंगा पहनकर डांडिया खेल रही हैं। पवनदीप भी उनके पास है और अरुणिता डांडिया खेलने में इतनी मगन है कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं दिख रहा है। ये वीडियो कब का है, कहां का है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि पवन अरुणिता का कोई नया प्रोग्राम आने वाला है जिसमें पवन अरुणिता दोनों डांडिया खेलते नजर आएंगे। अभी पूरा वीडियो भी आना बाकी है, लेकिन एक छोटी सी झलक आ चुकी है जो फैंस को दीवाना बना रही है। तो आप पवन अरुणिता के इस वीडियो को देखने के बाद क्या कहना चाहेंगे, इनकी ये पूरी वीडियो देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही हम आपको बता दें कि गरबा और डांडिया दोनों ही नृत्य माँ दुर्गा की आराधना के लिए किए जाते हैं, लेकिन इनके पीछे एक धार्मिक महत्व भी जुड़ा हुआ है। गरबा की बात करें तो ये नृत्य माँ दुर्गा की आरती से पहले उनकी प्रतिमा के पास जलाई गई जोत के पास किया जाता है। ये नृत्य जोत के पास एक गोले में किया जाता है जो कि जीवन के गोल का चक्र का प्रतीक कहा जाता है। वही धार्मिक मान्यता के अनुसार डांडिया माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच हुए युद्ध को प्रदर्शित करता है। डांडिया में उपयोग होने वाले रंगीन डांडिया माँ दुर्गा की तलवार मानी जाती है, इसलिए इसे तलवार नृत्य भी कहा जाता है। गरबा और डांडिया के जरिए भक्तजन माँ दुर्गा को खुश करने की कोशिश करते हैं।